नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं स्पीटी 790। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं कि यदि आपके बाल असमय सफ़ेद हो रहे हैं, यानी एज आपकी 20 साल है, 21 साल है, 22 साल है, और उस केस में आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो उस केस में आप कौन से हेयर ऑयल का प्रयोग करें जिससे आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल सके। दोस्तों कुछ लोगों में इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि उनकी जो उम्र है बहुत कम होती है, 15-16 साल है, 20 साल, 22 साल, 24 साल, और उनके बाल सफ़ेद होने लगते हैं, जिसके कारण उनको काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ होने लगती हैं। वो काफ़ी सारे ऑयल्स का प्रयोग करते हैं, काफ़ी सारे ब्रांड्स के ऑयल का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है और उनके बाल भी झड़ने लगते हैं। फिर कुछ लोगों में इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि उनके बाल नहीं बढ़ते हैं, महिलाओं में, पुरुषों में, सभी में एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। या फिर कुछ लोगों के बाल काफ़ी ज़्यादा पतले होते हैं, इनके कारण वो कंघा करते हैं तो टूटने लगते हैं। या फिर कुछ लोगों के बाल वैसे झड़ते हैं, उनको हेयर फॉल होता रहता है, तो उस केस में कौन से ऑयल का प्रयोग करें जिससे उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सके। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटे का आइकन आएगा उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तब तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों इस तरह की प्रॉब्लम काफ़ी लोगों में देखी जाती है। कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं उनके भी बाल हमने देखा है कि सफ़ेद होने लगते हैं, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, और जैसे ही उम्र उनकी बढ़ती है 2-4-10 सालों में उनके बाल बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, या फिर वो किसी हेयर कलर का प्रयोग करते हैं जिससे उनके बालों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन आज हम आपके लिए एक आयुर्वेदिक ऑयल लेके आए हैं जो कि आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देगा और जो आपके बाल पक रहे हैं पकने से उनको रोक देगा। अगर आपकी एज जो है 40 साल से कम की है, तो अगर आप इस ऑयल का प्रयोग करते हैं तो आपके बाल जो पक रहे हैं वो पकना रुक जाएंगे। अगर आपके 2-4-10 बाल पक रहे हैं, पक गए हैं प्रेजेंट टाइम में, तब आप ऑयल का इसका जो है ऑयल का प्रयोग करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको अच्छा से अच्छा रिस्पॉन्स मिल सके। क्योंकि आपके 2-4-10 बाल पके हैं तो धीरे धीरे करके और भी पकने लगेंगे। या फिर कुछ लोगों में काफ़ी सारे उनके जो बाल होते हैं वो पकने लगते हैं, जिनके कारण वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो वो लोग अगर इस ऑयल का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इसका नाम है अमृत नवजीवन हेयर ऑयल। इसे आप ऑनलाइन स्टोर से या फिर किसी भी मेडिकल स्टोर से, आयुर्वेदिक स्टोर से जाके खरीद सकते हैं, हर जगह पर आपको मिल जाएगा। जिसका जो इमेज है आपको वीडियो में दिख रहा होगा बगल में, इसका नाम है अमृत नवजीवन हेयर ऑयल। इसको आप सभी मेडिकल स्टोर से या फिर ऑनलाइन स्टोर से आप खरीद सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, कोई महिला है, पुरुष है, कोई भी बच्चा है, कोई भी है, एक्स वाई जेड, सभी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या फिर अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, आपकी उम्र अभी कम है लेकिन फिर भी आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो उस केस में अगर आप इस ऑयल का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं किस तरह से इसका आपको प्रयोग करना है। तो ये तो बात होगी इसके बेनिफिट्स की। अगर आपके बालों में रूसी भी होगी तो उस केस में अगर आप इस तेल का प्रयोग करते हैं तो वहां पर भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं किस तरह से इसका प्रयोग करना है। तो इसका प्रयोग आप रात में करिए। आप एक कटोरी में ऑयल का ले लीजिए, जो है आपका अमृत नवजीवन ऑयल, इसको आप ले लीजिए और हल्के हाथों से आप अपने बालों के जड़ों में मसाज करिए। लगभग 10 से 15 मिनट तक अपने बालों के जड़ों में मसाज करिए और सुबह उठ के आप नहा लीजिए। आप किसी भी शैम्पू का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन किसी एक शैम्पू का प्रयोग करिएगा। ये नहीं कि आप आज आपने दूसरा शैम्पू का प्रयोग किया, कल दूसरे, परसों तीसरे, इस तरह का अगर आप करेंगे तो आपको बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप जो शैम्पू का प्रयोग करें, किसी भी शैम्पू का प्रयोग करें, तो एक ही शैम्पू का प्रयोग करें, और बालों में आपको साबुन बिल्कुल भी नहीं लगाना है, आपको केवल शैम्पू लगाना है, और उसके साथ में आपको इस ऑयल का प्रयोग करना है जिसका नाम है अमृत नवजीवन ऑयल। ये आपको सभी मेडिकल स्टोर्स पे या फिर आयुर्वेदिक स्टोर पे उपलब्ध मिल जाएगा। महिला भी इसका प्रयोग कर सकती हैं, पुरुष भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिनको भी प्रॉब्लम है, जिनके बाल नहीं बढ़ रहे हैं या फिर जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बालों में रूसी हो गई या फिर हेयर फॉल हो रहा है उनको, तो या फिर कुछ लोग जो गंजेपन के शिकार हो रहे हैं वो लोग भी अगर इसका प्रयोग करते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा जल देखने को मिलेगा। तो सभी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे अदर ऑयल आते हैं उनका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट आपके बालों पे देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो इससे आपके बालों पे कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। मैं इसकी कंपनी का नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और भी कोई आपको जानकारी चाहिए तो उस नंबर पर आप कॉल करके और उसके बाद में जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे आप सलाह ले सकते हैं, वो आपको सारी जानकारी बता देंगे और उसी तरीके से आप प्रयोग करिए। बाकी सारी जानकारी हमने
आपको दे दी है, किस तरह से प्रयोग करना है, कब कब आपको प्रयोग करना है और किस किस रोग में इसका प्रयोग किया जाए, सारी जानकारी आपको दे दी है। लेकिन फिर भी अगर कोई आपके मन में कोई प्रश्न है या कोई विचार है, कोई सुझाव है, तो आप हम कमेंट भी कर सकते हैं या फिर जो हम आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रहे हैं उस नंबर पर कॉल करके और डायरेक्ट आप बात भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा और अगर इस वीडियो में कुछ रह गया हो, जो जानकारी हमने आपके साथ में ना शेयर की हो, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा।